नमस्कार दोस्तों, संजय गाइड के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं सीसी और बीसीसी का क्या मतलब होता है। यदि हम किसी टॉपिक पर किसी व्यक्ति को या समूह को हमको मेल करना होता है तो उसकी सूचना हमें संबंधित अधिकारी को भी देनी होती है, तो इसके लिए हम लोग सीसी का यूज करते हैं। सीसी मीन्स कार्बन कॉपी, यानी उसकी प्रतिलिपि। टू में जिस व्यक्ति को हमको मेल करना होता है उसको रखेंगे और सीसी में जिस संबंधित अधिकारी को हमको मेल भेजना होता है उसको रखेंगे। यानी दोनों व्यक्तियों को यह सूचना प्राप्त हो जाती है कि इस संबंधित अधिकारी को मेल गया है, प्लस टू या समूह को यह मेल भेजा गया है। यानी दोनों व्यक्ति को यह सूचना प्राप्त हो जाती है, टू को भी और सीसी को भी, दोनों को यह संबंधित यह सूचना प्राप्त हो जाती है कि इसको संबंधित अधिकारी को मेल भेजा गया है। लेकिन बीसीसी, जिसे हम लोग ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी कहते हैं, इसका बिल्कुल विपरीत होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को मेल भेजते हैं टू में या समूह को भेजते हैं तो उस संबंधित अधिकारी को भी सूचना जैसे देनी होती है, तो हम बीसीसी में रखते हैं तो टू को इसकी सूचना प्राप्त नहीं होती है कि किसी और संबंधित व्यक्ति को इसकी सूचना दी गई है या मेल किया गया है। इसी में दोनों में सबसे बड़ा अंतर होता है। यानी टू को यह मालूम नहीं होगा कि किसी और व्यक्ति को प्रतिलिपि इसकी भेजी गई है, लेकिन बीसीसी को यह मालूम रहता है कि किसी को टू में किसी को भेजा गया है। लेकिन अगर हम सीसी में भेजते हैं तो ये दोनों को व्यक्ति को यह सूचना प्राप्त हो जाती है, टू को भी और सीसी को भी। यानी सीसी को भी मालूम है कि टू को भेजा गया, टू को भी मालूम है कि सीसी को भेजा गया। लेकिन बीसीसी में अगर हम भेजते हैं तो टू को यह मालूम नहीं होता है कि किसी व्यक्ति को इसकी कार्बन कॉपी भेजी गई है, प्रतिलिपि भेजी गई है। सबसे बड़ा ये इसका यह मतलब होता है और इसका अंतर भी यही है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, तब बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।